कितने दिनों से आप मायके में रहने आई? 15 दिनों के लिए आई थी। गर्मी की छुट्टियों में आई थी। कुछ आपको जिसका फोन आया उन्होंने कुछ बताया कि नहीं? कहा था मेरे चाचे का एक्सीडेंट हो गया। मैंने यकीन नहीं करा, मगर सही बता दे सुनील के बात अनु करना चाचे एक्सीडेंट हो गया। मैंने अपने बच्चों की कसम दे उस सुनील तेना भाई बहन की कसम बता दे का मेरे चाचे पूरे लिया। हाँ मजदूरी करते थे जी वो। समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो महिला इस समय आप देख सकते हैं सामने बेसुध हो चुकी है, रो रोकर बुरा हाल है। उनके पति की मौत हो जाती है सड़क हादसे में। और बताया जा रहा है कि वह मजदूरी का काम किया करते थे और पीछे से कोई ट्रक आता है तेज रफ्तार और उनको रौंद कर चला जाता है, जिसमें उनकी मौत हो गई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। दो छोटी छोटी मासूम बेटियां हैं इस परिवार की, आप देख सकते हैं छोटी छोटी दो मासूम बेटियां हैं। उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इनके पिता जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन दोनों मासूम बच्चियों को तो पता भी नहीं है कि उनके पिता के साथ क्या कुछ हादसा हुआ। और ट्रक वाला बताया जा रहा है कि टक्कर मारने के बाद जो है भाग जाता है। गोंदर गांव के रहने वाले हैं, सोनू उनका नाम है। कितने साल पहले इनकी माता जी शादी हुई थी जी? 6 साल पहले। कैसे हादसा हुआ जी, कुछ पता चला? नहीं कुछ नहीं, हमने तो फोन आया मान लो, तो मैं तो इसकी मम्मी हूँ। दो बेटियां बेटी? हाँ दो लड़की लड़की है। इस पर कोई ना जेठनी देवरनी, कोई सासू नहीं ससुरानी, कोई कुछ नहीं इसका सारा। वो तो एक लाए था, डैडी मजूरी करया करदा। एक बहन आवा शादी करा, बहन भाई थे जी, अकेला ही करने वाला था सारा कुछ। ये तो घर ही रहते थे। आप देख सकते हैं इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल का जो पोस्टमार्टम हाउस है, इस समय वहां से आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर किस तरह से गोंदर गांव में हादसा हुआ और जिसमें 27-28 साल का जो व्यक्ति था उसकी मौत हो जाती है। और दो छोटी छोटी मासूम बेटियां आप देख सकते हैं, उनकी बेटियां थी। लेकिन एक बहुत ही दुखद हादसे में किस तरह से सोनू नाम का जो व्यक्ति बताया जा रहा है, जो युवक बताया जा रहा है, उसकी इस हादसे में मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत ही दुखद हादसा है और इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद है। गोंदर गांव में ये हादसा होता है और दो मासूम बेटियों का पिता जिसका नाम सोनू बताया जा रहा है, एक ट्रक जो है उनको रौंदकर भाग जाता है। हालांकि आप देख सकते हैं पुलिस की जो टीम है निसिंग थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है शव को कब्जे में लेकर। अब उसका जो पोस्टमार्टम है वो करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में जो है करवाया जा रहा है। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को इस समय जो है पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया है। उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है, उनके परिवार की जो महिलाएं हैं उनका रो रोकर बुरा हाल है, क्योंकि इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 27-28 साल का अकेला यह नौजवान व्यक्ति था, युवक था, जिसके सारे जो है पूरे घर का गुजर बसर चलता था, लेकिन उसकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। और इस समय जो तमाम लोग हैं, समय आप देख सकते हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत ही दुखद हादसा हुआ और इस समय आपने लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस की देखी, जहां पर गोंदर गांव का रहने वाला 27-28 साल का जो व्यक्ति था सोनू, उसको जो एक ट्रक रौंदकर भाग जाता है। छोटी छोटी दो मासूम बेटियां आप देख सकते हैं, ये सोनू की दोनों की दो मासूम बेटियां हैं सोनू की। लेकिन इस हादसे में सोनू की दुखद मौत हो जाती है। उस ट्रक के बारे में हालांकि अभी नहीं पता चल पाया, जानकारी यह मिली है कि ट्रक का शायद नंबर भी नोट कर लिया गया है। अब निसिंग थाना पुलिस जो है क्या कुछ कार्रवाई करती है यह देखने वाली बात होगी। और इस समय सोनू के शव का जो पोस्टमार्टम है वो करनाल के इसी मोर्चरी हाउस में, सरकारी हॉस्पिटल के इसी मोर्चरी हाउस में होता हुआ नजर आ रहा है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।